हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका शर्मा रेसिपीज। दोस्तों, मैं हूं प्रियंका शर्मा और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूं बहुत ही टेस्टी सुपर क्रंची घर के ही सामान से बनी हुई एक ऐसी रेसिपी जिसे देखते ही आप बनाना चाहोगे। और इस रेसिपी को आप छोटी मोटी कोई भी पार्टी हो या गेट टुगेदर हो उसमें बड़ी आसानी से तैयार कर सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी और क्रंची बनकर तैयार होगी और यकीन मानिए सबको ही बहुत पसंद आएगी। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो आइए दोस्तों, फटाफट से शुरू करते हैं आज की हमारी सुपर टेस्टी और क्रंची रेसिपी। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें यहाँ चाहिए एक मिक्सिंग बाउल और उसमें डालेंगे एक कप पोहा। पोहा आसानी से सबके घर में मिल जाता है। पोहे को हम दो बार पानी से अच्छे से धो लेंगे क्योंकि जो पोहा होता है उसमें काफी डस्ट होती है और पानी से धोने के बाद ये एकदम साफ हो जाएगा और जो ये एक्स्ट्रा पानी है इसे हम निकाल देंगे। और इस तरह से जब पोहे एकदम साफ हो जाएंगे तब हम इसमें एक गिलास पानी डालकर 2 से 3 मिनट के लिए इसे रख देंगे ताकि जो पोहा है वो एकदम सॉफ्ट हो जाएगा। हम जो यहाँ पोहा यूज कर रहे हैं उससे जो हम कटलेट बनाएंगे वो एकदम क्रंची बनकर तैयार होंगे। 2 मिनट बाद ये देखिए पोहे काफी अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। इसे हम इस प्रकार से एक छलनी में छान लेंगे ताकि जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए और पोहे एकदम सॉफ्ट हो जाए। और इसे 1 मिनट तक इसी प्रकार से रख देंगे ताकि जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाएगा। और ये देखिए पोहे काफी अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। 1 से 2 मिनट इन्हें रखने के बाद जो एक्स्ट्रा पानी है वो भी निकल जाएगा और पोहे को हम ट्रांसफर कर लेंगे किसी मिक्सिंग बाउल में। और आप देख सकते हैं ऐसा करने से पोहे एकदम सॉफ्ट हो चुके हैं और बिल्कुल खिले खिले बनकर तैयार हुए हैं, जैसा हमें चाहिए बिल्कुल उसी तरह से। अब हम जो ये पोहे हैं इनको अच्छे से मैश कर लेंगे और एक डो जैसे बनता है बिल्कुल उसी तरह से इसे मैश करते हुए गूथ लेंगे और एक बहुत ही स्मूथ कंसिस्टेंसी का डो बनाकर तैयार कर लेंगे। और ये देखिए डो बनकर तैयार हो चुका है। यहाँ मैंने लिए हैं अब 2 से 3 मीडियम साइज के उबले हुए आलू। इन्हें हम उबाल कर ठंडा कर लेंगे और इस प्रकार से एक कद्दूकस की हेल्प से हम इसे कद्दूकस कर लेंगे। कद्दूकस करने से आलू में बिल्कुल भी लम्प्स नहीं रहेंगे और जो हम कटलेट तैयार करेंगे उनका एक बहुत ही बढ़िया टेक्सचर आ जाएगा। आलू को हमें यहाँ ठंडा करके ही कद्दूकस करना है, इससे आलू में बिल्कुल भी चिपचिपापन नहीं आएगा। इस स्टेज पर अब हम इसमें ऐड करेंगे उबले हुए मटर, बारीक कटी हुई धनिया पत्ती, 2 से 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्च और साथ ही इसमें ऐड करेंगे उबले हुए स्वीट कॉर्न, 1/4 शिमला मिर्च बारीक कटी हुई, 8 से 10 लहसुन का पेस्ट और साथ ही इसमें ऐड करेंगे 1 से 2 मीडियम साइज की बारीक कटी हुई प्याज। अब हम इसमें डालेंगे मसाले। तो यहाँ मैंने लिया है 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, 1 चम्मच ऑर्गेनो, 1/2 चम्मच रेड चिली फ्लेक्स। और जो हम ये डो तैयार करेंगे उसमें बिल्कुल भी नमी ना रहे तो उसके लिए अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 कप मक्की का आटा। मक्की का आटा हमें यहाँ एक साथ नहीं डालना है, पहले हम 1/2 आटा इसमें डालेंगे और जो हमने मिक्सचर तैयार किया है उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यदि आपके पास मक्की का आटा नहीं है तो आप यहाँ चावल का आटा भी यूज कर सकते हैं। वेजिटेबल्स जो हमने यहाँ यूज की हैं वो ऑप्शनल हैं, आपको और भी जो वेजिटेबल्स पसंद हैं आप इसमें डाल सकते हैं। यदि आपको यहाँ पर डो थोड़ा सा गीला लगे तो आप इसमें और मक्की का आटा ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए इस स्टेज पर मक्की का आटा अच्छे से मिक्स हो चुका है और जो मिक्सचर हमने तैयार किया है वो एकदम परफेक्ट है। अब हम एक प्लेट लेंगे और जो मिक्सचर हमने तैयार किया है उसकी छोटी छोटी कटलेट्स बनाकर तैयार कर लेंगे। और इस तरह से एक कटोरी में थोड़ा तेल लेंगे, तेल को दोनों हाथों पर लगा लेंगे और इस तरह से 1 से 2 चम्मच जितना डो लेंगे और इस तरह गोल गोल घुमाकर उसे प्रेस करते हुए उसके कटलेट्स बनाकर तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए कटलेट बनकर रेडी है। इसी तरह से जितना डो हमने लिया है सबकी कटलेट बनाकर हम रेडी कर लेंगे। तेल लगाने से मिक्सचर हाथों में बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा और जो कटलेट है वो बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार होंगी। तो बिल्कुल इसी तरह से जितना मिक्सचर हमने तैयार किया है सबकी हम कटलेट बनाकर तैयार कर लेंगे। और ये देखिए इसी के साथ तैयार है हमारे जबरदस्त वाले कटलेट जो दिखने में और खाने में बहुत ही टेस्टी बनेंगे।
तो इस तरह से मैंने यहाँ सभी कटलेट तैयार कर लिए हैं। आइए अब हम इन्हें फ्राई करते हैं। तो उसके लिए यहाँ मैंने ली है एक कढ़ाई और उसमें डालेंगे खूब सारा तेल। हम यहाँ कटलेट को डीप फ्राई करेंगे। तो तेल गर्म हो चुका है, गैस की फ्लेम को मीडियम रखेंगे और इस तरह से एक एक करके एक बार में 4 से 5 कटलेट बनाकर तैयार कर लेंगे। हमें यहाँ कटलेट को अभी थोड़ी देर के लिए बिल्कुल भी टच नहीं करना है। जब इनकी नीचे की लेयर सिक जाएगी तब हम इसे पलट देंगे। आप यहाँ कटलेट को शैलो फ्राई भी कर सकते हैं और आप देखेंगे जैसे जैसे नीचे की लेयर सिक जाएगी तो जो बबल्स हैं वो भी कम हो जाएंगे और जो कटलेट है वो भी हल्का सा ब्राउन कलर उन पर आ जाएगा। कटलेट एक साइड से बनकर तैयार हो चुकी है, अब हम इसे पलट देंगे और दूसरी साइड से भी इसे अच्छे से पकने देंगे। दोनों तरफ से कटलेट जब फ्राई हो जाएगा तब हम इन्हें अलट पलट करते हुए 2 से 3 मिनट तक अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। और ये देखिए कटलेट काफी अच्छे से सिक कर तैयार हो चुके हैं। और कटलेट्स तैयार होने के बाद हम इन्हें एक एक करके टिश्यू पेपर पर निकाल लेंगे ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो भी निकल जाए। और इसी तरह से जितने कटलेट्स हमने तैयार किए थे सबको हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और इसी के साथ ये लीजिए दोस्तों, तैयार है हमारे बहुत ही टेस्टी और क्रंची झटपट बनने वाले गर्मा गर्म पोहा कटलेट। गर्मा गर्म पोहा कटलेट को हम सर्व करेंगे टोमेटो सॉस के साथ। पोहा कटलेट को और भी टेस्टी बनाने के लिए इस पर डालेंगे चाट मसाला तो ये और भी टेस्टी हो जाएंगे। और ये देखिए आपको आवाज से ही पता चल रहा होगा जो पोहा कटलेट है वो एकदम क्रंची और क्रिस्पी बनकर तैयार हुए हैं। तो दोस्तों आप भी मेरे तरीके से इस मजेदार रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करें और यकीन मानिए बच्चे हो या बड़े ये सबको ही बहुत पसंद आएगी। और खास बात ये कि आप पोहा कटलेट को तैयार करके फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं और जब भी आपका मन हो आप इसे फ्राई करके सर्व कर सकते हैं। तो दोस्तों यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।